खड़े हो रही हैं उसका कारण है व्यक्ति ज्ञान को नहीं जानता, सत्य को नहीं जानता। कोई राम के नाम से लड़ रहा है, कोई कृष्ण के नाम से लड़ रहा है, कोई अल्लाह के नाम से लड़ रहा है, कोई ईश्वर के नाम से, कोई गुरु के नाम से, कोई परमात्मा के नाम से, ऐसे सारे लड़ रहे हैं पर नाम एक ही है। इन सब के जो सबसे पावरफुल शक्ति है रात मुझे माँ ब्रह्मा ने साथ साथ प्रत्यक्ष पहले स्वप्न में आए स्वप्न से मेरे विचार है तो साथ साथ वो शक्ति उतरी जो सबसे बड़ा शक्ति है वो श्री है। श्री इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति श्री है और जो आत्मा है परमात्मा है ईश्वर है अल्लाह है ये शक्तिशाली है पर ये क्षणिक शक्तिशाली है छोटे हैं। लेकिन जो महाब्रह्म है उसे बड़ा कुछ भी नहीं है वो उसके अंदर सारे परमात्मा प्रभु ईश्वर समा जाते हैं। करोड़ों राम कृष्ण इसमें समा जाते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु वेद समा जाते हैं। इसे भी ग्रंथ में लिखा है और मैखाने का अर्थ है साक्षात परमात्मा, मैं का अर्थ है परमात्मा, ये वेद से मंत्र है मैं से अर्थ वेद। और खाना का अर्थ है जहाँ परमात्मा का अद्भुत आरोग मिलता है, ज्ञान मिलता है, रहस्य मिलता है। तो जैसे आप इसको जपने लोग जपने लगोगे जपने लगोगे श्री महाब्रह्म में खाना, 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 तो आपके सारे काम होने लगेंगे क्योंकि सब परमात्मा इसी के अंदर है, सबका नाम इसी के अंदर है। जैसे समुद्र में छोटी छोटी नदियाँ, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि समुद्र के मिलने के बाद छोटी नदी को जरूरत नहीं पड़ जाती, गंगा जमुना सरस्वती सभी नदियाँ इसके अंदर हैं, सारे तीर्थ इसी के अंदर है, सारे परमात्मा महाप्रभु के अंदर है और सारा कुछ मैखाना के अंदर है। मैखाने को लोग समझते थे जहाँ मदरा मिलती है शराब मिलती है, ये मैखाने का अर्थ है साध आदिकाल से ऋषि मुनि, मैं का अर्थ है परमात्मा जहाँ परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये अद्भुत रात को मुझे अनायास 2 बजे मिला तो फिर मैं समुद्र के किनारे आ गया, इसको जपता रहा बड़ी देर तक और इतने अलोक थे, इतने देवी देवता थे, इतने ऋषि मुनि थे, इतने अलोक थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप सभी देख वाला सुबह शाम जपना है हर पाठ से पहले पूजा से पहले कभी कर लो सुबह दोपहर शाम, इसका कोई समय नहीं क्योंकि महाब्रह्म सदा जागता रहता है, सदा इसको किसी से नफरत नहीं है। आप कुछ खाते हो कुछ नहीं खाते हो कुछ पी रहे हो गंदगी में भी कर लो कहीं भी कर लो ये इतना दयालु है। तो ये श्री महाब्रह्म में खाना, 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 जो आपको मंदिरों से गुरुद्वारों से बस्ती सोचे घर से मिलता है उसे 1 करोड़ गुना ये आपको मिलेगा 1 करोड़ गुना क्योंकि सब इसी के अंदर है, सब समंदर नदियाँ इसी के अंदर है, सब हवाएं इसी के अंदर है, करोड़ों ब्रह्मांड इसी के अंदर है। ये महाब्रह्म है, ये महाब्रह्म है, ये महामैखाना है, ये श्री है, सभी की शक्ति श्री है। तो श्री महाब्रह्म मैखाना इसको जपते से आपको पता लगेगा कि ये सरल सा नाम छोटा सा नाम ये किसी का नहीं है, ये मेरा नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, सभी देवी देवता सभी ईश्वर सभी परमात्मा, ये परमात्माओं का परमात्मा है, अल्लाह का अल्लाह है, गाड का गाड़ है, ईश्वरों का ईश्वर है। आप इसको जब भी आपको लगेगा पर अनुभव मत बताना, गुप्त रखना अपने अंदर शांत रखना, आपके काम होंगे अथाह धन आने लगेगा, हर समस्या का समाधान होने लगेगा। समस्या का समाधान हो तो 2 बार श्री माँ ब्रह्म श्री मैखाना, श्री माँ ब्रह्म श्री मैखाना ऐसे 2 बार बोल दिया धन्यवाद हो गया, कोई काम नहीं होता। श्री माँ ब्रह्म श्री माँ ब्रह्म मैखाना, श्री माँ ब्रह्म मैखाना, श्री माँ ब्रह्म मैखाना, फिर आप ऐसे 9 बार बोल के फिर श्री माँ ब्रह्म मैखाना, श्री माँ ब्रह्म मैखाना, श्री माँ ब्रह्म मैखाना, श्री माँ ब्रह्म मैखाना, ये महासमुद्र महानदियाँ माँ वायुमंडल सभी करोड़ों ग्रह इसके अंदर है। इसका अद्भुत हमें मिला सबके लिए, ये किसी धर्म का नहीं है और सभी धर्मों का है, किसी मजहब का नहीं है सभी मजहबों का है, किसी जाति का नहीं है सभी जातियों का है, सबके लिए समान है। इससे आपको सुख मिलेंगे, धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, इससे जो जो आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। ऐसे माँ ब्रह्मा ने देवों की देवताओं ने मुझे प्रत्यक्ष बोला है, ये मैं आपके सामने इस सागर के सामने प्रत्यक्ष कह रहा हूँ। श्री महाब्रह्म में खाना, श्री महाब्रह्म में खाना, श्री महाब्रह्म में खाना, इसको प्रयोग करके देख लेना, बताना मत अपने अनुभव मत बताना किसी को, गुप्त रखना अपने पास। श्री माँ ब्रह्म में खाना, श्री माँ ब्रह्म में खाना, अभिवादन भी करते हो तो हो सके तो जैसे बोलते राम राम अल्लाह अकबर सीताराम राधे साहब, तो श्री माँ ब्रह्म में खाना, श्री माँ ब्रह्म जैसे जय राम जय श्री राम,
ये इससे करोड़ गुना शक्तिशाली है, एक बार बोले से अनेक कर सकते हैं। श्री माम ब्रह्म मैं खाना पर पढ़ते रहिए, श्री माम ब्रह्म मैं खाना मनी मन में कर लो, मनी मन में करने से आप देखोगे। और जब कभी इकट्ठे बैठो सत्संग में बैठो तो श्री माम ब्रह्म मैं खाना, श्री माम ब्रह्म मैं खाना, ऐसे धीरे 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 आपको लगेगा ये क्या इतना सरल है, इतना सरल है दुखों से मुक्ति, इतना सरल है परमात्मा को साक्षात आपके सामने, परमात्मा अल्लाह गॉड ईश्वर आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। ऐसा प्रत्यक्ष परमात्मा के परमात्मा ने मुझे रात को बताया है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाब्रह्म मैखाना, श्री महाब्रह्म मैखाना, श्री महाब्रह्म मैखाना।